भाई साहब इतना बड़ा समोसा। दिनेश पटेल, हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? मेरा गला पूरा ख़राब हो चुका है यार, बार बार मौसम चेंज हो रहा है ना, तो मैं अभी खड़ा हूँ दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे, फ्लाइट का वेट कर रहा हूँ और मतलब ऑफिस के काम से जा रहा हूँ मुंबई। सुबह सुबह चाय पीने का मन कर रहा था, मैंने कहा चाय से चाय पीते हैं। किसी ज़माने में जब स्टार्ट हुई थी फ्रेंचाइजी तो 50 रुपये की थी चाय, या 40 रुपये की, आज वो 130 रुपये में बेच रहे हैं। कोई ना, सब कमाओ। भीड़, भयंकर भीड़ एयरपोर्ट पे। वाह भाई वाह, एसी मस्त चल रहा है, फर्स्ट क्लास एसी काम कर रहा है। 13A चुके हैं। 1 घंटा 40 मिनट लगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंग है समुंदर के पास, बादलों के अंदर होते हुए। वेलकम बैक गाइस, चलो मुंबई लैंड कर चुका हूँ अब फटाफट यहाँ से। बहुत दूर नवी मुंबई में वहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे रमादा होटल पे बस पहुँचने गए। देखो बड़ा सा रथ खड़ा कर रखा है, मुंबई से आया मेरा दोस्त, वो दोस्त को लेने आए मेरे दो दोस्त। हेलो बोलो। हाय सर। यार मौसम इतना सेक्सी हो रहा है तो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि होटल जाएं या होटल जाएं। और दूसरे होटल में जो सायरन से समझ सकते हो, यहाँ से जाना है अपने को वहाँ पे नवी मुंबई, बहुत दूर है यहाँ से। ऐसो प्रिंस, अरे यूटर्न बता रहे हैं, एक घंटा तो जाना पड़ेगा। ह्यूमिडिटी हो रही है बाहर लेकिन थोड़ी सी। ये है वृंदावन रेस्टोरेंट, किधर है? शहर रोड मुंबई। सुबह इंजीनियर सामने एयरपोर्ट के पास, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। ये है आलू पालक भाई साहब, ये वर्ल्ड फेमस आलू पालक है। मैंने जिंदगी में ऐसा आलू पालक कभी नहीं खाया। देखो इसका मतलब ये नहीं घर पर अच्छा नहीं मिलता, मिलता है बट ये टेस्ट नहीं मिलेगा। इसको खाने के लिए अपन कहाँ आए भाई? वृंदावन। इसको एंजॉय करते, मैं एक साल बाद आया हूँ खाने के लिए स्पेशली। इसको गाड़ी घुमा ली हमने रास्ते में। भाई बड़ी मुश्किल से इतनी दूर नवी मुंबई में होटल पहुँचे हैं। ये अपना रूम मिला है, रमा था, सही है, डिसेंट है। हाँ अपना सारा समय तो यहाँ जाएगा ऑफिस के काम से। ये बाहर का व्यू है, अभी रात में क्या ही दिखेगा। हाँ बस मुझे दिख रहा है
एक छोटा सा पहाड़ है वहाँ। अच्छा है, ठीक है। बहुत थक गया मैं यार, बहुत दूर है नवी मुंबई एयरपोर्ट से आना ना, मतलब बहुत दूर है, थक गया हूँ। आपको खाना खाने के बाद फिर टूर कराता हूँ।